जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, इट्स 6 PM, 6:17 PM से 6:17 हो गई शाम के। तो मेरे जितने भी ट्रेनीज हैं, ध्यान से सुनिए। आज हम देखना चाहते हैं कि निफ्टी के और बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के, कैंडल स्टिक को देख के हम लोग कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों आज मार्केट बढ़ा या आगे क्या हो सकता है। और जो कल हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बनाई थी, याद है आपको सबको? तो चलिए, सबसे पहले तो देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये देखिए, ये जो लाइन आ रही है, ये बैंगनी कलर की लाइन आ रही है, ये 20 दिन की EM है। कितनी है? 20 दिन की। इसका वैल्यू आ रहा है 11,049 इज़ द वैल्यू, और आज हमने क्लोज किया है 11,057, यानी कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इसके ऊपर क्लोज मिली। देखिए, यहाँ से अगर आप देखो, ये भी नहीं, माय गॉड, मतलब ये 4 जुलाई के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है कि हम 20 दिन की EMA के ऊपर क्लोज किए, 4 जुलाई के बाद। ये सब देखना चाहिए आपको, सीखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। देयर इज़ नो ट्रेडिंग एडवाइस, नथिंग। आप लोग सीखिए कैसा चार्ट को रीड करना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ आज आपको भी सिखाऊँ। देखिए, 4 जुलाई के बाद ये 20 EMA, मैंने आपको कल सैटरडे जो मुंबई ट्रेनिंग थी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 20 दिन की EMA को ये 4 जुलाई में था, ये आपको दिख रहा होगा डेट, 4 जुलाई को ये उसके ऊपर था, इस EMA के ऊपर। उसके बाद आप देखो, ये रेड कैंडल थी, इसके नीचे ही आई। उसके बाद एक भी कैंडल इस लाइन के ऊपर बंद नहीं हुई, एक भी कैंडल नहीं हुई। 4 जुलाई के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ कि आज ये कैंडल इसके ऊपर बंद हुई। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि आफ्टर 4 जुलाई फर्स्ट टाइम वी हैव क्लोज्ड अबव 20 EMA ऑफ निफ्टी, पहली बात। और दूसरा, आप देखो, आप ये बिल्कुल रॉकेट बन गया। क्या बना? दिवाली का रॉकेट। आप लोगों को पता ना, दिवाली का रॉकेट ऐसे ही रहता ना, एक डंडी रहती है उसके ऊपर रॉकेट रहता है, तो ये दिवाली का रॉकेट है। अब इस दिवाली का रॉकेट आपको पता ही है, हमेशा ऊंचाई का निशाना सिग्नल होता है। और इसको अगर टेक्निकल भाषा में, इसको, इस कैंडल स्टिक को हैमर बोलते हैं दोस्तों। दिस कैंडल स्टिक इज नोन एज हैमर। जिसको बाई सेल का ट्रेड चाहिए वो मत देखिए इस वीडियो को, समझिए क्यों बढ़ा है, क्यों घट सकता है। और ये रॉकेट जैसा जो आज बना, इसको हैमर बोलते हैं। और इसमें खास बात क्या है कि कल जो मतलब फ्राइडे को जो कैंडल बनी थी, वो इतना कोई क्लियर कट सिग्नल नहीं दे रही थी निफ्टी की कि आज इतनी बड़ी तेजी आएगी ये दे रहा था, क्योंकि 4 रेड कैंडल के बाद एक बढ़िया बुलिश वाइट कैंडल बनी थी, मगर इसमें कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में जाओ, मैं उसमें दिखाता हूँ सब बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी देखिए, अभी भी 20 EMA के नीचे है, लेकिन निफ्टी ने 20 EMA तोड़ दिया। बैंक निफ्टी का 20 EMA आ रहा है 28,196। तो बैंक निफ्टी अभी भी, आप देख लो कि आफ्टर 5 जुलाई बैंक निफ्टी ने भी अभी तक एक भी क्लोजिंग 20 EMA के ऊपर नहीं दिया है, आफ्टर 5 जुलाई। तो 20 EMA आप लोग हमेशा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब मैं डोंचियन चैनल समझाऊंगा, तब समझाऊंगा इसका यूज़, वो सैटरडे को वीडियो आएगा। तो देखिए, ये भी, और ये लगभग, लेकिन अब इसको, ये भी रॉकेट बना है, लेकिन इसमें कल के जो कैंडल थी, इस कैंडल को बोलते हैं स्पिनिंग टॉप फ्राइडे की। देखिए, एक डाउन ट्रेंड में अगर स्पिनिंग टॉप बनता है, स्पिनिंग टॉप इज ए रिवर्सल पैटर्न। स्पिनिंग टॉप मीन्स नाइदर बायर नोर सेलर वॉन, और दोनों में से कोई अथॉरिटी ले नहीं पाया। मार्केट जहाँ ओपन हुआ उसके आसपास क्लोज हुआ। ये फ्राइडे की कहानी है। फ्राइडे को देखिए क्या हुआ था। फ्राइडे को मार्केट, बैंक निफ्टी का बोल रहा हूँ, ओपनिंग थी 26,835 और क्लोजिंग भी 26,956। तो लगभग सेम ओपनिंग हो गई और सेम क्लोजिंग, ऊपर नीचे गया लेकिन डिसीजन नहीं ले पाया। तो इसको बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न, स्पिनिंग टॉप। अगर ये ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहती तो ये डोजी हो जाता। इस कैंडल को क्या बोलते हैं हम लोग? डोजी। मगर इसको हम बोलेंगे स्पिनिंग टॉप। और स्पिनिंग टॉप के बारे में आप गूगल मार के पढ़ लीजिए, स्पिनिंग टॉप इज ए रिवर्सल पैटर्न। प्लस ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है, क्योंकि ये वाइट कैंडल बंद हुई है, यानी कि बुलिश बंद हुई ग्रीन। तो ये अपने आप में सिग्नल था। अब स्पिनिंग टॉप सक्सेसफुल कब होता है?
जब उस दिन का लो वापस टेस्ट नहीं होता है और हाई के ऊपर ही मार्केट क्लोज करे, हाई के ऊपर ही। तो आप देखिए फ्राइडे का जो हाई था वो था 27,207, और आज का हाई आप देख लो, आज का हाई है 27,995, यानी कि लगभग 28,000, और क्लोज भी हुआ है 27,951, और ये अपने आप में बहुत बड़ा बुलिश साइन है। तो इसकी रैली मैं बोल सकता हूँ कि शायद इस एक्सपायरी तक भी हम 28,500 क्रॉस कर दें, इस एक्सपायरी तक भी 28,500 क्या ये आ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, बैंक निफ्टी का, पहले पहले बैंक निफ्टी का निकालते हैं, फिर कल आपको सिखाया था ना सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है। तो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, देखिए ये एक टाइम पर सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन जाएगा ये लो, ठीक है। तो ये आ रहा है 28,800 समझ लीजिए, 28,800 पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर 28,800 के ऊपर चला गया तो फिर आप इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस मान के चलिए बैंक निफ्टी का। देयर इज़ नो ट्रेडिंग एडवाइस भाई साहब, है ना, ये सिर्फ सीखने के लिए। 28,800 को क्रॉस करके अगर क्लोज करता है तो आप अगला टारगेट ले सकते हो 30,300, कितना ले सकते हो 30,250, 30,250, लेकिन 28,800 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा ये। और नीचे में आपको इसका अब सपोर्ट बन गया, अब इसको अगर कोई स्टॉप लॉस समझे चाहे सपोर्ट समझे, तो अब ये जो कैंडल थी, अब ये बिकॉज ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी कल तक, लेकिन अब ये सपोर्ट का काम करेगी ये, क्योंकि जब ये यहाँ था निफ्टी तब ये रेजिस्टेंस था, ये लेवल 27,400 पे अब बैंक निफ्टी को बहुत बड़ा सपोर्ट है नीचे में 27,400, और ऊपर में ये 28,800 जा सकता है, और 28,800 क्रॉस करके अगर क्लोज कर देता तो 30,200 जा सकता है। तो ये आपको समझाया मैंने कैसे रीड करना चाहिए कैंडल स्टिक को, और कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के काम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जो जो सीखना चाहते हैं उनको बहुत पसंद आया होगा ये किस तरह से। मैं तो अगला पड़ाव इसका आएगा 28,800 ये मान के चलिए, और 27,400 के नीचे अगर क्लोज कर दे तो आप निकल जाइए, कोई भी बाई ट्रेड है आपके पास तो, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग में लिख लीजिए 27,300 आपका स्टॉप लॉस है, और पेपर ट्रेड में लिखिए टारगेट आपका 28,800 है, और उसके ऊपर क्लोज करता तो फिर नेक्स्ट टारगेट आप लिख लीजिए 30,200, चाहे एक्सपायरी तक आया हो चाहे अगले महीने आओ, लेकिन मैं आपको ये सिस्टम से समझा। और ये क्लियर कट देखिए, चार कैंडल के बाद ये स्पिनिंग टॉप बना था, दिस वॉज ए स्पिनिंग टॉप, और कोई भी एक डाउन ट्रेंड के बाद एक रिवर्सल पैटर्न का कोई भी कैंडल बनता है तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये देखिए चार कैंडल डाउन की थी, उसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न का कैंडल बना, तो इसको बोलता है क्लियर। और इसने आज क्या किया, इस हाई के काफ़ी ऊपर ट्रेड किया दिन भर और काफ़ी ऊपर क्लोज किया, तो ये कंफर्म हो गया कि अब ये वाला तो टूटेगा ही, ये जो चार कैंडल का हाई था ना ये टूटना चाहिए। तो देखते चार कैंडल का जो हाई था वो क्या था, ये जो चार रेड कैंडल थी ना ये तो टूटना लगभग तय, 28,500 तो आना लगभग तय रहता है बैंक निफ्टी के लिए लगभग, लेकिन फिर भी 27,400 के नीचे खराब रहता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो मार्केट को, नो ट्रेडिंग रिकमेंडेशन। और SBI मैंने आपको सैटरडे की ट्रेनिंग में समझाया था कि SBI आफ्टर ए लॉन्ग टाइम 263 का लो बनाया था फ्राइडे को, लेकिन वापस 275 उसी दिन आ गया था और फिर 270 के नीचे नहीं जा रहा था। तो वो SBI का चार्ट देखते हम लोग, इसीलिए मैंने आपको बोला था ट्रेनिंग में कि मैंने 24,000 शेयर उसका 3.95 रुपये में 300 की कॉल ली थी सितंबर की, और आज मैंने उसमें अच्छा प्रॉफिट किया। देखिए SBI ये भी चार डाउन कैंडल के बाद एक स्पिनिंग टॉप बनाया, देखिए आप ये स्पिनिंग टॉप है ना सेम जैसा बैंक निफ्टी बनाया, तो और इसमें भी देखिए आप इसने क्लोज इस हाई के ऊपर ही किया और दिन भर इसके ऊपर ही ट्रेड किया ज़्यादातर। तो अब इसमें भी आप इतना टारगेट तो मान के चलिए, जो मैं 292 दे रहा था ना आपको, क्यों दे रहा था उसका कारण समझाता हूँ। ये जो चार कैंडल का हाई है ना वो आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए 292, देखिए आप ये चार कैंडल, इसके बाद ये भी स्पिनिंग टॉप बनाया है, तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न दे ही दिया था उस दिन, सिग्नल दे दिया था। तो इस तरह से आप सीख सकते हो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे दीजिए, आपको ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियोस मैं डालते रहूँगा, डेली में एक दो डालूंगा, और जो सैटरडे संडे उस दिन स्पेशल रहेगा।
जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। नो ट्रेडिंग एडवाइस। जय जी, जय हिंद।